फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एक दफा टोनी चिड़िया अपने इलाके में खेतों की सैर कर रही थी। वो कभी जंगल की ओर चली जाती और कभी चावल के खेतों की ओर। जाते जाते उसकी नजर कौवे पर पड़ी। वो नीचे आ जाती है। कौवे मियां, क्यों उदास बैठे हो? लगता है आपको कभी छोड़ गई है। कौवा हंस के कहता है, नहीं नहीं टोनी चिड़िया, मैं तो वैसे अपने दोस्तों के साथ आया था। वो अब चले गए हैं, मौसम अच्छा था, मैं भी बैठ गया। टोनी चिड़िया कहती है, तो अच्छा जनाब, मौसम के मजे ले रहे हैं। कौवा कहता है, हाँ बिल्कुल। अच्छा तुम बताओ, तुम कहाँ घूम रही हो? टोनी चिड़िया कहती है, मैं भी बस ऐसे सैर को निकली थी, तुमको देखा तो तुम्हारे पास आ गई। अच्छा बताओ, अब कहाँ जाने का इरादा है? कौवा कहता है, मुझे अब घर जाना है, चलो आज तुम मेरे पास रहना। टोनी कहती है, नहीं नहीं, मेरा घर अकेला है, मुझे तुरंत अपने घर जाना है। फिर कभी सही, टोनी चिड़िया कालू कौवे से इजाजत लेती है और उड़ जाती है। फिर टोनी चिड़िया रानी चिड़िया के पास आती है। रानी चिड़िया पसीने से शराबोर किचन में खाना बना रही होती है। टोनी कहती है, अरे वाह रानो, क्या बना रही हो? रानी कहती है, मैं अंडे का आमलेट बना रही हूँ, क्या खाओगी? अगर तुम खाओ तो मैं तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। टोनी चिड़िया कहती है, नहीं नहीं, मुझे लेट हो जाएगी, मुझे अपने घर जाना है, मेरी बेटी अकेले घर में मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं ऐसे बाहर को निकली थी और काफी दूर चली गई, अब मुझे तुरंत अपने घर जाना है। यूं टोनी चिड़िया बिलाखिर अपने घर खैरियत से अपनी बेटी के पास पहुंच जाती है। क्या टोनी फिर कौवे के घर जाती है, ये देखने के लिए इंतजार करना होगा अगली स्टोरी का। तो दोस्तों प्लीज फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज। देखते रहिए बर्ड स्टोरी चैनल।